हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर स्वागत है मेडिक यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट फैबिफ्लू के बारे में, यानी कि क्या इसके यूज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन सी कंपनी इस ड्रग को फैबिफ्लू नाम से बनाती है और कौन कौन से ऑल्टरनेट ब्रांड्स होते हैं, क्या इसकी MRP होती है, यानी कि इन्हीं सभी चीजों के बारे में लाइन बाई लाइन से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके यूजेस की। फैबिफ्लू टैबलेट का यूज किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसा कि हमको पता है ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है। इट्स अ एंटीवायरल मेडिसिन जो आपको वायरस से प्रोटेक्ट करती है। अभी करंटली इसका इस्तेमाल COVID-19 की डिसीज के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सॉल्ट की। इसमें सॉल्ट कौन सा होता है? फैबिफ्लू एक ब्रांड नेम है जो कि ग्लेनमार्क कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है फैबिफ्लू के नाम से। अब इसके अंदर सॉल्ट कौन सा होता है? इसके अंदर सॉल्ट होता है फेविप्राविर 200 और 800 और 400 mg में आपको मार्केट में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्टोरेज कंडीशन की। इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है? तो हम इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी एडवाइस की। किन किन कंडीशन में इस ड्रग का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए? फर्स्ट इज प्रेगनेंसी, सेकंड इज अल्कोहल, थर्ड इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड द फोर्थ इज इनके आपको कभी किडनी लीवर की कोई प्रॉब्लम थी तो उसके बारे में आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, ताकि उसी के अनुसार डॉक्टर आपकी डोज में वो एडजस्टमेंट कर सकें और आपको प्रिस्क्राइब कर सकें। बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप ये ड्रग ना लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेट ब्रांड्स की। तो और कौन कौन से ब्रांड्स आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में? फैबिलो, फैबी ब्लू, फैबी कार्ड के नाम से भी आपको कोई देखने को मिल सकता है, फैबी सिन के नाम से भी आपको ये टैबलेट देखने को मिल सकती है मार्केट में। फैबी फ्लू, हो सकता है फैबी फ्लू इस टाइम पे शॉर्टेज हो, मार्केट में ना मिल रहे हो, तो आप इनके साथ जा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। अब आते हैं इसकी MRP पे। इस टैबलेट कितने रुपये में आपको बाहर मार्केट में मिल सकती है? तो फैबी फ्लू नाम से यही टैबलेट आपको 35 से 75 रुपये के बीच में आपको मिल सकती है। ये केवल एक टैबलेट का प्राइस है, बाकी इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स होती हैं। डिफरेंट स्ट्रिप्स मतलब कोई 15 टैबलेट की स्ट्रिप है, कोई 10 टैबलेट की स्ट्रिप है, कोई 34, यानी फैबिफ्लू आपकी 34 टैबलेट की स्ट्रिप अभी रिसेंटली आई है। तो इस तरीके की स्ट्रिप्स आपको मिल सकती हैं ज़्यादा टैबलेट्स की, 200 mg वाली, 400-800 वाली आपको मार्केट में हो सकता है अभी ना मिले, लेकिन ये भी अवेलेबल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। अब आपने टैबलेट तो ले ली, यूजर एक्सपीरियंस क्या है? जो जिन्होंने ऑलरेडी इस टैबलेट को यूज़ किया हुआ है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी कंडीशन में सुधार हुआ कि नहीं, अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो फैबिफ्लू टैबलेट को लेने के बाद करीब 65% लोगों कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं हुआ है और एक्सीलेंट कंडीशन में जिसने इस ड्रग ने अपना काम किया है। कुछ 10 से 12% उनके लोग हैं जिन्हें थोड़े साइड इफेक्ट्स हुए हैं, जैसे डायरिया की प्रॉब्लम उनको हुई है, इससे ज़्यादा और कोई साइड इफेक्ट्स उनको नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। डॉक्टर किस फॉर्म में आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं, मोस्टली किस फॉर्म में आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं? तो पहले दिन की डोज बनाते हैं डॉक्टर मोस्टली 1800 सुबह और 1800 शाम को mg, यानी 1800 mg सुबह, 1800 mg शाम को। उसके बाद ये डोज घटती हुई चली जाती है और 6 दिन तक कम्प्लीटली इसका कोर्स होता है 7 दिन का, 7 दिन तक ये ड्रग आपकी चलती है, लेकिन इसकी डोज कम कर दिए जाते हैं डॉक्टर। तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप ये दवाई का यूज़ ना करें, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।